Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. मैं हूं रक्सर शहजाद सबसे पहले शामिल करते हैं न्यू हेडलाइंस। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन का विफाक हुकूमत से एल्बर्टा और सस्केचवान की मदद का मुतालबा सी एम ए की सदर का कहना है कि ये वक्त अहम इकदाम करने का है दोनों सूबों में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है टोरंटो के शहरी थैंक्स गिविंग के मौके पर बड़ी तकरीबा से गुरेज करे शहर की मेडिकल ऑफिसर बरए हेल्थ का कहना है कि हमें दोबारा एहतियात पर जोर देना होगा कोई भी गफलत हमारे मुहाफों को मायूस कर सकती है दाइश की जेलों में कैद कनेडियन शहरी के अहल खाना की जानब से अदालत में मुकदमा दायर कैनेडियन हुकूमत पर शहरीों को वापस लाने में नाकामी का इल्जाम दो दर्जन से ज्यादा कनेडियन शाम में दाइश की जेलों में कैद हैं कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी मरीजों की मजमू तादाद सोलह लाख बीस हजार एक सौ सैतीस तक जा पहुँची हलाकते सत्ताईस हजार आठ सौ उन्नीस हो गई अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाबा एतराफ़ कर लिया जनरल मार्क मिली कहते हैं कि अफगानिस्तान में जंग उस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे अफगानिस्तान से इनखला के दौरान हमारी हमत अमली नाकाम रही काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा सुहेल शाहन का कहना है कि हुकूमत के तमाम इंतजाम और इख्तियारमारत इस्लामी के पास हैं तालिबान की कार्रवाईों से मुतल हुक्मन जारी दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी मुतासर अफरा की तादाद तेईस करोड़ इकतालीस लाख चवालीस हजार चार सौ उनतीस तक जा पहुंची जबकि इस मोजी वायरस से अम्बाज सैतालीस लाख नवासी हजार आठ सौ सड़सठ हो चुकी है ग्रीनश हैंड सैनिटाइजर न ऑयली न स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल और हाथ नर्म मुलायम और साफ आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानब से विफाक हुकूमत से कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत का सामना करने वाले सूबो अल्बर्टा और सिसकेचवान की मदद का मुतालबा किया गया है मज़द जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानब से वफाकी हुकूमत से कोरोना वायरस की तश्वीशनाक सूरत हाल का सामना करने वाले सूबों अलबर्टा और सेसकी चान की मदद का मुतालबा किया गया है सी एम ए का कहना है कि अलबर्टा और सेसकी चान में कोरोना वायरस की सूरत हाल एक ऐसे मकाम पर है जहाँ केसेस में इजाफे को रोकने के लिए गैर मामूली इकदाम की ज़रूरत है सी एम ए की सदर डॉक्टर कैथरिन इस्मार्ट ने कहा कि दोनों सूबों में करोना वायरस का फैलाव दिल दहला देने वाला है और अब हम एक ऐसी हाल में हैं जहां बहरान की हालत से निमटने के लिए ये सब डेक पर हाथ रखे हुए हैं स्मार्ट ने कहा कि अमवाद की शरह को रोकने कारकुनों की मदद करने और मरीजों की देखभाल के नतज से निमटने के लिए दस्याब तमाम इकदाम का इतलाक होना चाहिए जिनकी देखभाल अब गैर मुना मुद्दत तक रोक दी गई है ये वक्त जरूरतमंदाना इकदाम करने और वैक्सीनेशन पर सियासत न करने का है स्मार्ट ने कोविड नाइन्टीन हिफाजती इकदाम में जल्द नरमी को सूबों के गिरते हुए सेहत की देखभाल के निजाम की वजह भी करार दिया दोनों सूबों में कैनेडा के बाकी हिस्सों के की नस्बत कम मुकम्मल वैक्सीनेशन की शराह है अलबर्टा और सैसकी में इसकी तिहत्तर फीसद अहल आबादी को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई है टोरंटो के महकमा सेहत के माहरीन शहरीों से थैंक्स गिविंग बड़ी तकरीबा से गुरेज करने की अपील कर रहे हैं इस हवाले से मजीद जानते हैं टोरंटो के महकमा सेहत के माह शहरी से थैंक्स गिविंग के मौके पर बड़ी तकरीबा गुरेज करने की अपील कर रहे हैं शहर की मेडिकल ऑफिसर बरए डॉक्टर एलन एन का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने के इम्कान ताहाल मौजूद हैं उनकी जानब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब सूबे में मुसलसल दूसरे रोज पाँच सौ ऐसी कम केसेस रिपोर्ट हुए बुध के रोज ट्रंटो में एक सौ सात केसेस रिपोर्ट हुए ये बहुत बुरा है हमें दोबारा एहतियात पर जोर देना होगा लेकिन इस साल एक बार फिर एहतियात ज़रूरी है एलन एन डिविला का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल हमारे पास वाकई जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ होगा जि का कहना था अगर अगरचे हमारे मौजूदा केस की गिनती मुस्कम या कम हो रही है कोई भी गफलत हमारे मुहाफिजों को मायूस कर सकती है उनका कहना था कि महफूज मुस्तबिल के लिए जब होशियार होने और जश्न मनाने की बात आती है तो दानश मंदी एहतियात और मखसूस तौर पर इंतब करें अपना मास्क पहने और आवाम में और ख़ास तौर पर हजूम में और घर के अंदर अपने फासले बरकरार रखे शाम में दाइश की जेलों में कैद कनेडियन शहरी खाना ने कनेडियन हुकूमत के खिलाफ अदालत में दायर कर दिया है, मजीद है इस रिपोर्ट में शाम में दाइश की जेलों में कैद कैनेडियन शहरी के अह खाना ने कैनेडियन हुकूमत के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया शाम में दाइश की जेलों और कैंपों में क़़ैद दो दर्जन से कैनेडियंस शहरी के अहल खाना ने विफाकी अदालत में मुकदमा दायर किया है जिसमे हुकूमत आरोप लगाया गया है की वो उन्हें वतन लाने में नाकाम रही है ग्यारह खानदानों जिनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई ने इल्जाम लगाया कि ओटावा अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द फोर्सेस के हाथों पकड़े गए कैनेडियन कैदियों की वतन वापसी के लिए तमाम माकूल इकदाम करने में नाकाम रहा है उन्होंने अदालती दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया की दरख्वास्त दहदा खानदानों के तमाम अफराद को मनमानी और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है दरख्वास्त में कहा गया है की उन अफराद पर किसी जुर्म का इल्जाम आये नहीं किया गया है उन पर मुकदमे की कोई तारीख मुकर नहीं की गई है और उन्हें गैर मुतीन तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है कैनेडा की हुकूमत गैर कानूनी हिरासत को ख़त्म करने और हिरासत में लिए गए कैनेडियंस की रिहाई की सलाहियत रखने के बावजूद कोई भी फैसला कन कदम उठाने में नाकाम रही है अब तक सिर्फ एक कैनेडियन शहरी को कैनेडियन हुकाम के हवाले किया गया है जो कि एक पाँच साल यतीम बच्ची है जिसके वाले फ़ाई हमले में हलाक हो चुके हैं ओडेरियो के महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि कम उम्र नौजवानों और बच्चों के लिए फ़ाइज़र वैक्सीन ही बेहतरीन है और जहां मॉडर्ना और फ़ाइज़र दोनों मौजूद हों वहां फ़ाइज़र वैक्सीन को ही तरजीह दी जाए इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमु तादाद सोलह लाख बीस हजार एक सौ तक जा पहुँची है जबकि हलाकते 27,819 हजार आठ सौ उन्नीस हो गयी मुल्क भर में पंद्रह लाख सैतालीस हजार नौ सौ साठ मरीज सेहतियाब हो चुके हैं ऑनटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है सूबे भर में कोरोना वायरस ऐसी मुतासर होने वालों की तादाद पाँच लाख हजार पाँच सौ दो तक जा पहुँची है जबकि हलाकतों की तादाद नौ हजार सात सौ तेईस है महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि कम उम्र नौजवानों और बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन ही बेहतर है और जहां मॉडर्ना और फाइजर दोनों मौजूद हों वहां फाइजर वैक्सीन को ही तरजीह दी जाए हुकाम ने फाइजर वैक्सीन को 18 से 24 साल तक की उम्र के ग्रुप के लिए बेहतरीन करार दिया है महकमा सेहत की जानब ऐसी ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब फाइजर के अलावा दीगर वैक्सीन से हार्ट की कुछ पेचदियाँ सामने आई कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबैक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद चार लाख नौ हजार पाँच सौ पच्चीस है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद ग्यारह हजार तीन सौ उनहत्तर तक पहुँच चुकी है कैनेडियन सूबे अलबर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह ऐसी बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में दो लाख छियानवे हजार चार सौ छियासठ अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि दो हजार छः सौ सतानवे अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसेस की तादाद एक लाख छियासी हजार दो सौ पैंतालीस है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद एक हज़ार नौ सौ तिरपन है अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाबाबा इतराफ़ कर लिया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटिक नाकामी थी जंग इस तरह ख़त्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे मजीद तफसी जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में शिकस्त का बाजाबा ऐतराफ़ कर लिया चेयरमैन ज़ॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मार्क मिली ने कहा है की अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी जंग इस तरह खत्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अफगान जंग में शिकस्त का एतराफ़ अफगान जंग में स्ट्रेटेजिक गलतियों को भी तस्म कर दिया अवान नुमाइंद की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए जनरल मार्क मिली ने कहा कि ने की अमरीका ने अफगानिस्तान की बीस साल जंग हारी है अफगानिस्तान में जंग स्ट्रेटेजिक नाकामी थी जंग में शिकस्त चंद दिन या चंद माह में नहीं हुई स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमु असर पड़ता है जनरल मार्क मिली ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग इस तरह खत्म नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे अफगानिस्तान से इन के दौरान हमारी नाकाम रही 15 अगस्त को मोला बर ऐसी मुलाकात की और कहा रखना ना चाले लेकिन तब तक देर हो चुकी थी 15 अगस्त की मुलाकात तक काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जमान सुल शाह का कहना है की काबुल इंतजामिया का अब कोई वचोत नहीं रहा मजीद तफी जानते हैं इस रिपोर्ट में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल इंतजामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए एक बयान में तालिबान सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने यह बात कही है अपने बयान में उनका मज़द कहना है की तमाम इंतजाम और इख्तियार अमारत इस्लामी के पास है तर्जुमान तलबान सुहेल शाहीन का ये भी कहना है की अमारत इस्लामी ही अफगान अवाम की वाहिद और हक़ी की नुमाइंदा है अफगानिस्तान के दारकूत काबुल में तालिबान की कार्रवाई से मुताक अमारत इस्लामिया ने अम हुक्मा जारी कर दिया हुक्मनामा नामा अबूरी वजीर अज़म मोहम्मद हसन अख़वंद के नाम से जारी किया गया है अमारते इस्लामिया के जारी किए गए हुक्म नामे में कहा गया है की बग़ैर इजाजत किसी के घर या कारोबारी मरकज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी भारत में कोरोना वायरस ऐसी चार लाख सैतालीस हजार चार सौ छ हलाकते हो चुकी है जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ छत्तीस लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ इक्यासी मरीज सामने आ चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया का कोई ख़िता करोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं इसके मरीजों और इसके बायस अमवाद में मुसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वायरस ऐसी मुतासर अफरा की तादाद तेईस करोड़ इकतालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ उनतीस तक जा पहुँची है जबकि इस मूजी वायरस ऐसी अमवाद सैतालीस लाख नवासी हजार आठ सौ सड़सठ हो चुकी हैं, जबकि इक्कीस करोड़ नौ लाख बयालीस हजार एक सौ तेरासी कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवाद के एतबार से दस सरे फहरिस ममालिकस करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है जहाँ इस वायरस ऐसी अब तक सात लाख तेरह हजार नौ सौ तिरपन अफराध मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमु तादाद चार करोड़ इकतालीस लाख निन्यानवे हजार चार सौ छियानवे हो चुकी है भारत करोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले ऐसी दूसरे नंबर आरोप है जहाँ इस वायरस ऐसी चार लाख सैतालीस हजार चार सौ छह हलाकते हो चुकी है जबकि इससे मुतासरा तीन करोड़ छत्तीस लाख सत्तानवे हजार पाँच सौ इक्यासी मरीज सामने आ चुके हैं तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात तिरसठ हजार आठ सौ अड़तीस तक जा पहुँची है जबकि के केसेस इकहत्तर लाख चौबीस हजार 966 हो चुके हैं। ईरान में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद एक लाख बीस हजार एक सौ साठ हो गई जबकि इसके कुल केसेस पचपन लाख बहत्तर हजार नौ सौ बासठ हो गए सऊदी इस के अरब इसी फहरिस में बानवे नंबर पर पहुंच चुका है जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात आठ हजार सात सौ तेरह रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिकत में कोरोना मरीजों की तादाद पाँच लाख सैतालीस हजार नब्बे तक जा पहुँची है Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल तक इतना ही, मज़ित खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian news bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV.